मित्रों, मैं एक तीन राउंड बिहार होकर आया हूँ। एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के साथ भी हाजीपुर में था, एक कार्यक्रम में जीताराम मांझी के साथ महाराजगंज में था, एक कार्यक्रम में मैं खुद छापरा गए और एक कार्यक्रम में सिवान जिले में भी गए। जो मैंने देखा और सुना, बातचीत किया, इसे मुझे ऐसा लग रहा है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अच्छी मार्जिन से जीतेगा और सरकार बनाएगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मूड है, वही मूड बिहार में भी है। कृपया थोड़ा जिनके पास सेलफोन है उसको थोड़ी देर के लिए विराम दीजिए, साइलेंट मोड में रखिए, नहीं तो स्विच ऑफ करिए। जो बगल में बैठे हुए लोग उनको मदद करिए, जिनको मालूम नहीं है कैसा साइलेंट मोड में रखना। कुछ लोगों को ऑन करना आता है, बंद करना मालूम होता नहीं, तो इसलिए कृपया थोड़ा सा ये। मित्रों, पहले आपने देखा, फर्स्ट द बीजेपी हैज़ वन द मेन लैंड इंडिया, देन दे हैव वन द आईलैंड अंडमान निकोबार, नाउ इट हैज़ वन द हिल लैंड लद्दाख। नेशन वाइड बीजेपी विक्टरी, मैसिव मार्जिन, देन अंडमान बीजेपी विक्टरी डिफीटिंग द कांग्रेस विच इज सिटिंग देयर, पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपालिटी, एंड नाउ लद्दाख victory also is very significant, historical. The mood is same everywhere. In Bihar, the main fight is between forgettable past and promising future. Forgettable past and promising future. Advantage for the BJP is being seen as a safe passage from the dissatisfying past to the fulfilling future. चुनाव में मुख्य मुद्दा विकास है, दूसरा मुद्दा विकास है, तीसरा मुद्दा भी विकास है, और बिहार का जनता चाहते है विकास, इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारी मदद किया भाजपा को और बीजेपी को जिताया। और लोकसभा चुनाव अभी वर्तमान में विधानसभा चुनाव में बीच में कोई परिवर्तन कुछ हुआ नहीं, लोग थोड़ा अलग सोच रहे हैं, ऐसा कोई विषय है नहीं। और वो एक विषय उभर के सामने आया, पीपल आर नॉट एबल टू रिकनसाइल टू द रियलिटी ऑफ लालू जी एंड नीतीश जी कमिंग टुगेदर and both sitting on the lap of the Congress party. That is the issue. वहां चर्चा भी कर रहे थे, बीच में याद दिलाया, जो नीतीश जी ने प्रेम पत्र लालू जी को लिखा वो आजकल पूरा प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। और लोग ये सोच रहे हैं, भाई ये दोनों मिलके सरकार चलाना प्रैक्टिकल इनके संभव नहीं है, एक दिन भी साथ नहीं रह सकते, एक दिन भी। दोनों का टेम्परमेंट, दोनों का सोच, दोनों का व्यवहार मिलकर काम करने का प्रवृत्ति दोनों में है ही नहीं। इसलिए
और कांग्रेस के साथ क्यों गए इसका भी कोई समाधान नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी ने देश को बर्बाद किया 50 साल का अपना राज में, जो कांग्रेस ने सबको जेल में डाला इमरजेंसी में, जो कांग्रेस ने जयप्रकाश नारायण को अंदर डाला, उसी के कांग्रेस के साथ समझौता करना, इसलिए ये लोग संकोच भी कर रहे, कांग्रेस के साथ मिलकर मीटिंग नहीं कर रहे। और कांग्रेस पार्टी का विषय सर्वाइवल का विषय है, इसलिए वो किसी के साथ भी जोड़ने के लिए तैयार है। आज कांग्रेस का उपाध्यक्ष ने कहा एक एक स्टेट से बीजेपी को बाहर कर देंगे। महानुभाव, बीजेपी के बारे में सोचने के पहले अपने बारे में सोचो ना। एक एक स्टेट से आप बाहर हो रहे, इरेलेवेंट हो रहे। बड़ा बड़ा स्टेट्स में आप हाई नहीं, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, बंगाल में गया मामला, महाराष्ट्र में भी चौथा स्थान पे पहुंच गए, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, आप हमारे बारे में भाषण दे रहे। जो उत्साह मैंने देखा लोगों में प्रधानमंत्री का रैलीस में, उसमें एक विशेषता है। मैं हाजीपुर थोड़ा पहले पहुंच गया और दूसरी ओर से आया तो प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंच गए, तो वहाँ सभा स्थली पहुँचने में मुझे गंगा सेतु पार कर उस तरफ जाके फिर वहाँ से ट्रैफिक में जाना पड़ा। यूथ, नौजवान बिटवीन 18 और 35, दे कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द क्राउड, 90%। और लोगों में आकांक्षा डेवलपमेंट डेवलपमेंट, मोदी आए तो डेवलपमेंट होगा, ये मूड देखने में लगा है। मुझे इसलिए विश्वास है। और दूसरा विषय ये है, जिस तरह कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, आरजेडी और बाकी कम्युनिस्ट तो ज़्यादा आजकल रिलेवेंट है ही नहीं वहाँ, कम्युनिज्म इज बिकमिंग ए मैटर ऑफ पास्ट, इज्म में निज़म नहीं है ऐसा लोग सोच रहे हैं, निज़म माने सच। वहाँ ये राज्यसभा का विषय भी चर्चा का विषय बन गया, हर एक कानून को ये लोग रोक रहे, मोदी जी का काम आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ये भी लोगों में चर्चा है। उस कारण से भी लोग सोच रहे, भाई लोग सोच रहे मोदी जी का हैंड स्ट्रेंथन करना चाहिए, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पूरा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए प्रयास करते रहा शुरू से, कभी कभी कास्ट, कभी कभी मजहब, कभी कभी और कुछ विषय। अभी लेटेस्ट विषय रहा बिहार, बिहारी वर्सेस बाहरी। बाहरी मेरे ख्याल से कोई बाहर से कोई आके, कोई चाइना से, पाकिस्तान से यहाँ चुनाव लड़ने का ऐसा स्कोप है ही नहीं, और इश्यू ऐसे ही बनाया। देश का प्रधानमंत्री बाहरी हो सकता है क्या, जिनको बिहार का जनता ने इतना भारी मात्रा में मदद किया। उस कारण से भी लोगों में इन लोगों के बारे में, इन लोगों का प्रति एक नेगेटिव मूड बन गया। और लोगों को याद दिलाया हमने, भाई दिल्ली का अनुभव याद दिलाओ, याद रखो दिल्ली में क्या कहावत है, पीएम प्रिसाइड्स मैडम डिसाइड्स, और बिहार में भी ऐसी स्थिति चाहिए क्या, नीतीश जी प्रिसाइड्स और लालू जी डिसाइड्स। लालू जी ने पहले ही डिसाइड किया कौन मंत्री बनेगा, उनका दोनों लड़का के बारे में कहा है मंत्री बन जाएगा। तो ये स्थिति है, एक कदम आगे तीन कदम पीछे, वन स्टेप फॉरवर्ड थ्री स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। 10 साल का यूपीए, तो यूपीए का दूसरा नमूना है वो महा अवसरवादी गठबंधन। इसलिए हम लोगों को याद दिलाया, भाई आप तय करो, विकास चाहिए विनाश चाहिए, ये मुख्य मुद्दा के रूप में मुझे पूर्ण विश्वास है। जब फाइनल राउंड होगा क्लियर कट,
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सबसे आगे होंगे, भारी बहुमत से जीत पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, दूसरा विषय मैं आज बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने झूठ बता के, झूठा प्रचार करके लोगों को घुमराने के लिए कोशिश किया 50 साल, वो लोग आज पीएम के बारे में कहते हैं झूठ बता रहे। 50 साल आपने किया क्या? गरीब के लिए घोषणा, अमीर के लिए पोषणा, यही रहा है आपका शासन में। आप दूसरे लोगों के और उंगली उठा रहे, यू ट्राई टू डिसीव द पीपल। फ्रेंड्स, दी ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज राष्ट्रीय एकता दिवस टू ऑनर पटेल जी कंट्रीब्यूशन टू यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए सरकार ने तय किया। उस दिन यहाँ दिल्ली में सुबह सुबह रन फॉर यूनिटी होगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी रहेंगे, गृहमंत्री रहेंगे, मैं भी रहूँगा। उसके बाद पार्टी ने तय किया देश भर में सरकारी कार्यक्रम वो अपने जगह पे होंगे, मगर पार्टी ने भी तय किया, कारण क्या है, सरदार पटेल हैज सिंगल हैंडेडली एंश्योर्ड दैट 500 प्रोविंसेस इंक्लूडिंग दैट ऑफ हैदराबाद विच हैज टॉयड द आइडिया ऑफ ज्वाइनिंग विथ पाकिस्तान वर मेड पार्ट ऑफ इंडिया। सरदार पटेल वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ नेशन बिल्डिंग बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट अ ड्यू जस्टिस हैज नॉट बीन डन टू हिज मेमोरी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। सरदार पटेल जीस कॉन्ट्रीब्यूशन नीडेड टू बी रिमेम्बर्ड टूडे एंड हिज पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज यूनिटी। दैट्स वाई द पार्टी ऑल्सो इज होल्डिंग अ रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो follow the teachings of Sardar Vallabhbhai Patel. So the main thrust will be time for every countryman to strive for the unity, integrity, safety and security of our country, inspired by the spirit of Sri Sardar Vallabhbhai Patel. Uske baad Arun Singh ji party ka karyakram ke bare mein thoda sa jankari denge, uske baad koi सवाल है तो हम जवाब देंगे। मित्र, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने संपूर्ण जीवन एकता और अखंडता के लिए दिया, 31 अक्टूबर उनके जन्मदिवस के अवसर पे देश भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है। देश के राजधानी में कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि जिला के कार्यालय पर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। 3 प्रकार से कार्यक्रम की संरचना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा के पास जाना, वहाँ माल्यार्पण करना, उसके बाद एकता के लिए दौड़ लगाना, जो भारतीय जनता पार्टी पहले भी कार्यक्रम ऐसे करती रही है, और तीसरा उसके बाद गोष्ठी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता अखंडता के लिए किस प्रकार से काम किया और उनके जीवन परिचय के बारे में उस गोष्ठी में चर्चा करना। प्रमुख रूप से हमारे नेतागण, मंत्रीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद और प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री सभी इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं भाग लेंगे। कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। माननीय वेंकैया नायडू जी दिल्ली के बाद बंगलुरु में रहेंगे, नितिन गडकरी जी मुंबई में रहेंगे, उमा भारती जी कलकत्ता में रहेंगी, नड्डा जी लखनऊ में रहेंगे और कल्लाद मिश्रा जी देहरादून में रहेंगे, जुवोलो राम जी रांची में रहेंगे, हर्षवर्धन जी वाराणसी में रहेंगे और
पीयूष गोयल जी चंडीगढ़ में रहेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी चेन्नई में रहेंगे, निर्मला सीतारमन जी मेरठ में रहेंगे, डॉक्टर महेश शर्मा जी आगरा में रहेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी जी कानपुर में रहेंगे और गुवाहाटी में कार्यक्रम होगा। एस एस अहलूवालिया जी और सनवाल जी वहाँ के सोनावाल जी रहेंगे। जो बिहार में लगे हुए नेतागण हैं वो बिहार में ही इस कार्यक्रम को करेंगे। और किरण सारी की सारी अभी आपको हम लिस्ट दे देंगे, सारे के सारे माननीय किरण रिजिजू जी हैदराबाद में रहेंगे और मित्र रामसंगम कठेरिया जी झांसी में रहेंगे, जयंत सिन्हा जी विजयवाड़ा में रहेंगे और राजवर्धन सिंह राठौर जी जयपुर में रहेंगे, बाबुल सुप्रियो वेस्ट बंगाल में रहेंगे, उमा भारती जी भी वहाँ पे रहेंगी। इस प्रकार से सारे के सारे माननीय मंत्रीगण कहीं न कहीं रहेंगे। वसुंधरा जी जयपुर में रहेंगी, शिवराज सिंह चौहान जी भोपाल और सागर में रहेंगे, रमन सिंह जी रायपुर में रहेंगे, आनंदीबहन पटेल गांधी नगर में रहेंगे, रघुवर दास जी रांची में रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस मुंबई में रहेंगे, गोवा के सीएम गोवा में रहेंगे, मनोहरलाल खट्टर जी हरियाणा में रहेंगे, डॉक्टर निर्मल सिंह जी जम्मू में रहेंगे। यह लिस्ट अभी जारी हम कर देंगे। इसी प्रकार माननीय जो हमारे संगठन के नेतागण हैं वह भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार में रहेंगे, वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और कार्यक्रम में भाग लेंगे। येदुरप्पा जी मंगलोर में रहेंगे, सतपाल मलिक उत्तर प्रदेश में रहेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला जी मध्य प्रदेश में रहेंगे, प्रभात झा जी हिमाचल प्रदेश में, विनय जी मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से राम माधव जी कोची में रहेंगे, मुरलीधराव जी चेन्नई में रहेंगे, भूपेंद्र यादव जी बिहार में रहेंगे और मैं राजस्थान में रहूंगा, अनिल जैन जी बिहार में रहेंगे। इस प्रकार से बाद में अभी आपको हम पूरा का पूरा लिस्ट आपको दे देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे देश भर में बहुत भव्यता के साथ कार्यक्रम मनाया जाएगा और पूरे देश भर में आप देखेंगे हर जगह पर दौड़ का आयोजन होगा, संगोष्ठी होगी और चर्चा होगी। मित्रों अभी अभी गोवा से म्यूनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट आया है, इसमें से 11 नगरपालिकाओं में म्यूनिसिपालिटियों में भारतीय जनता पार्टी 8 नगरपालिका जीतकर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। बाकी डिटेल आपको पीटीए के द्वारा मिलेगा मेरे ख्याल से। पीएम साहब अभी ऑफिशियल है, दिल्ली में रहेंगे। हाँ यस, माय सरकार का कार्यक्रम है, फिर भी आप पूछ रहे तो मैं बता दूंगा। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहेंगे, मॉर्निंग ही विल गो टू सरदार पटेल स्टैचू नियर द पार्लियामेंट टू गार्लैंड सरदार पटेल स्टैचू। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो विल बी देयर एंड द इंफॉर्मेशन दैट द दिल्ली चीफ मिनिस्टर आल्सो नेचुरली बिकॉज इट इज दिल्ली ही विल आल्सो बी देयर टू गार्लैंड द स्टैचू ऑफ पटेल। आफ्टरवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर विल गो टू विजय चौक, देयर विल बी अ रन फॉर यूनिटी, देयर विल बी अ प्रेज आल्सो, आई विल आल्सो बी देयर because urban development is providing the logistical this thing, and PM will administer the pledge and address the participants. The youth of the capital are expected to participate in good numbers. Earlier home minister has issued an advisory to all that a pledge has to be administered to all the people in the offices on 30th evening itself, because 31st is Saturday, a holiday. Before the closing hours of the office, it has been advised that the respective departments, their heads, they will administer the pledge on the similar lines as it has been held last year. Friends, I have a personal, this is not, this is neither BJP nor the Government of India, just information. People who are interested in having darshan of Lord Balaji, Venkateswarji, unke liye भगवान वेंकटेश्वर जी दिल्ली आ रहे, माने तिरुपति तिरुवरा देवस्थानम वाले, वहाँ जो पूजा होता है, जो वहाँ प्रवचन होता है, जो पद्धति होता है, परंपरा होता है, वो सब परंपरा दिल्ली में 8 दिन दिल्ली में करने वाले हैं। यहाँ टेम्पररी तात्कालिक मंदिर भी बनाएंगे
वहाँ का पुजारी, वहाँ का पंडित सब मेरे ख्याल से 400 लोग वहाँ से रवाना हो चुका है। वो लोग आके यहाँ नेहरू स्टेडियम में अलग एक बनाया उसके लिए, उसमें सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक, जो तिरुपति में हर एक दिन सोमवार को क्या होता है, मंगलवार को क्या होता है, बुधवार को कैसा, ऐसा पूजा, ऐसा बाकी अलंकरण वगैरह दिल्ली में भी होगा। ये कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में होगा और कार्यक्रम के सबके लिए इसमें आमंत्रण है, परिवार के साथ भी जा सकते हैं। और तिरुपति में आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जाए तो अंदर जाए तो रश के कारण से 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड से ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। यहाँ सुबह से शाम तक दर्शन ओपन टू ऑल, तो इसलिए जिनको रुचि है वो लोग उसमें जा सकता है। 30 तारीख का इसका अंकुरार्पण होगा श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी के समक्ष में। और उसके बाद जो मुझे जानकारी मिला है, 31 तारीख को दिल्ली का मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बाद में अरुण जेटली, बाद में मनोहर पर्रिकर, फिर बीच में चंद्रबाबू नायडू भी आ रहे हैं और बाबा रामदेव भी आ रहे और कुछ न्यायाधीश भी आ रहे, अपना अपना इच्छा के अनुसार आ रहा है। ये कोई मैंने जैसा मैंने कहा ना, ये कोई अधिकृत यहाँ से कार्यक्रम नहीं है, मेरा बेटी ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने एक फोल्डर दिया, वो फोल्डर भी आपको मिलेगा, मुझे हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ा में, मलयालम में उन्होंने पोस्टर छपाया लोगों का। मेरा बेटी और यहाँ का एयरपोर्ट वाले जी एम वाले वो लोग थोड़ा सा लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में लगे हैं, मगर कार्यक्रम तिरुपति तिरुमला देवस्थानों का है अधिकृत रूप में। इट्स ए प्रोग्राम ऑफ द TTD, इट्स कॉल्ड एज TTD, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। देयर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केम यस्टरडे एंड दे हैव मेड एन अनाउंसमेंट ऑल्सो, ऑल अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड एंड पीपल आर रिक्वेस्टेड, whoever is interested to go and have darshan of Lord Venkateswara and have the feeling of, it's called as Venkateswara Vaibhavotsavam, Vaibhavotsavams. First time it is happening outside Andhra Pradesh. Isme Sudarshan Homa honge, Vasantotsav honge, Vishesh Puja honge, aur ye Tirupavada honge, Abhishek honge, Vasantotsav honge, Srinivasa Kalyanam hoga ek din, और एक पुष्प यागम भी होंगे। सब डिटेल है इसमें, जिनका रुचि है वो लोग इसको करके अपना घर वालों को बता के उसमें जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दैट एरिया, इसमें लिखा है सभी आह्वानित है, ऑल आर इनवाइटेड। ठीक, अब किसी को कुछ पूछना है तो फिर मैडम। Where is the federal issue of federal structure? I am not able to understand. The information I have is some fellow wanted to create a scene. Police got information. They just went there to inquire. A person who was suspected to this thing, he has been doing it earlier also. And if some untoward incident happens, then there will be lot of this thing reaction. So that's why the police went there and made inquiries and came back, did not do anything to my knowledge. And the so-called order is 1994. Hamara sarkar ne kuch order dikhala nahi. Aur koi problem nahi hai na, unko aur kuch likhne ke liye nahi hai, to mahatvapurna vishay hai unke liye, isliye unhone likha hoga. Aur wo to dekhenge PM, unhone kya likha, PM ko kya jawab dena wagera, wo PM dekhenge. Mera kahna ye hai, ये जो जानकारी मैंने लिया वो जानकारी के अनुसार कुछ लोग वहाँ कुछ इश्यू बना के हंगामा करना चाहते थे। जब वो जानकारी पुलिस को मिला, पुलिस वहाँ का सिचुएशन देखने के लिए और मदद करने के लिए गया, पूछताछ करने के बाद पुलिस वापस गए। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन कहाँ से आया मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक दूसरा जो बीफ ऑर्डर वगैरह चर्चा कर रहे, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक दो हेडलाइंस देखा, ये बीफ ऑर्डर 1994 का है, उस समय कौन राज कर रहे थे, थोड़ा अध्ययन करें तो बेहतर होगा उनके लिए। पुलिस अपना काम करेंगे ना, ये तो मिनट में होगा क्या, ब्रेकिंग न्यूज़ फिर अटैकिंग न्यूज़ देन ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसा होता नहीं ना, तो वो अपना काम करेंगे, जरूर करना है।
That's not the perception of the people. People are all writing, media also is writing, strongest PM, everything is concentrated in his hands. You people are writing, not we. And Prime Minister is only taking decisions and all. And this goes contradictory to that. I don't agree with that. David. ठीक है, ठीक है ना, इसमें क्या है? ठीक है, that's not the opinion of the party, okay, nor the country. क्या एक्शन? क्या भाई? I don't know, ma'am. I don't keep register of all the 11 crore members of my party. Party office must be having. And I don't want to make any negative comments on individuals. That has been my this thing. Concerned ministry officials will be dealing with that situation. I can't give answer to each and every incident from my side. Yesterday, Sri Lankan minister called on me, Megapolitan minister. I, during course of my discussion, I also told him that both the government should discuss and find out for permanent solution. This is not a something which has happened suddenly. These things have been happening. So a permanent solution has to be found and they will make efforts. उन्होंने कोई मजहब का नाम लिया नहीं. नंबर टू, हु इज लूजिंग एवरीबडी नोस. दैट्स वाई दे केम टुगेदर. अदरवाइज इफ यू रीड फॉर द सेक ऑफ यूर दिस थिंग, आई कैन गिव यू द, आई कैन रिक्वेस्ट द ऑफिस टू गिव ए कॉपी ऑफ दैट लेटर व्हिच नीतीश जी हैज रिटन अबाउट लालू जी एंड द फ्रेजेस ही हैज यूज्ड एंड द डाउट ही हैज एक्सप्रेस्ड अबाउट द इंटेंशंस ऑफ लालू जी विसावेस सोशल जस्टिस विसावेस करप्शन Visavisa communal harmony, all things were written in a very beautiful language and in a dutiful manner. So one can read that and understand. So there is no credibility for their criticism. Who raised the reservation issue? They raised it. They have taken it to the hilt. Now it's boomeranging on them. That's why they are saying PM is making this and all. Who raised the issue first? They raised the issue and they thought they are getting benefited, and many of the people also started writing articles also because of that they are going to be benefited and all. And you talk of it, it's not communal, and somebody counters it, it's communal. This is the fashion of these parties in this country. Kaun hai aap to maloom hai kyon aap aisa mazhab ka naam kyon lena chahte hain? Reservation देना है तो किसी को छेड़ के दूसरे को रिजर्वेशन देना है. कम्युनल रिजर्वेशन के बारे में ये लोग चर्चा कर रहे थे. हम कम्युनल रिजर्वेशन के खिलाफ है. किसी को भी मजहब के पर आरक्षण देने के पक्ष में हम लोग नहीं है. चलो मैम, इज इट ए बॉडी कॉल the entire gamut of government we are discussing today. Let us confine to Bihar. Chota Rajan ko pakda, itna hai to confirmed hai. Baki kya hai wagera wo sambandhit mantri log aur abhi Daud ko pakadna hai, ye bhi bahut zaruri hai. Kuch log keh rahe inse wo important hai, zarur wo bhi important hai, unko bhi pakdenge. Ji they have been talking about reservation. Reservation is an issue. They have been talking about it. Somebody will snatch away your reservation. So who is going to snatch that has been told to them? They are also saying that, you know, most of the key ministers like Radha Mohan Singh, Ram Vilas Paswan, Dharmendra Pradhan, Anand Kumar, Ravi Shankar Prasad, they are all camping there in Patna. So the work in the ministry
So Mr. Nitish Kumar is going around the state for months together. So work in Bihar anyhow already struck, and then he is adding to that. एक भाई लोकतंत्र में प्रचार करने के लिए हर एक को अधिकार है. मंत्री क्या करना उनको मालूम है. अपना विभाग में क्या क्या महत्वपूर्ण विषय है उनके बारे में वो लोग चर्चा करते और एक्शन भी लेते और जो भी निर्णय करना निर्णय प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाला. अपना काम कर रहे वो लोग इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहे. बाकी वो लोग भी अपना पूरा साधन जुटा के प्रयास कर रहे हैं ना. मंत्री लोग सब लोग वहाँ का मंत्री लोग भी कल एक मंत्री महोदय ने बहुत प्रयास किया. उन्होंने 2 लाख रुपए देते हुए पकड़ लिया भी उनका भी. वो अपना काम कर रहे हैं ये लोग अपना काम कर रहे हैं. क्या यहाँ चर्चा नहीं होना चाहिए. विकास के बारे में चर्चा करना चाहिए.